नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजेस्टिक हिमाचल पर। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको हिमाचल के अमरनाथ यानी कि मनाली की सोलंग घाटी में समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित अंजनी महादेव के दर्शन करवाने वाले हैं। सोलंग घाटी मनाली बस स्टैंड से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद अंजनी महादेव तक पहुँचा जा सकता है। मनाली से सोलंग घाटी जाते समय रास्ते में हिम वैली और नेहरू कुंड भी देखा जा सकता है। दोस्तों, ये है मंदिर तक जाने वाले रास्ते का स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से मंदिर तक जाने के लिए पत्थरों से निर्मित रास्ता है, साथ में ही कच्ची सड़क है जिसके माध्यम से स्नो स्कूटर, घोड़ों और 4x4 गाड़ियों के द्वारा मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। दोस्तों, इस ट्रैकिंग के दौरान दिलकश नज़ारों और बर्फ़ से ढके पहाड़ों का आनंद लेते हुए मंदिर तक की दूरी 20 से 25 मिनटों में पूरी की जा सकती है। वीडियो में आप लोगों को स्नो स्कूटर राइड का आनंद लेते हुए देख सकते हैं। बच्चे हों या बुजुर्ग, सभी एज के टूरिस्ट स्नो का आनंद लेने और अंजनी महादेव के दर्शन के लिए मन में श्रद्धा और हर्षोल्लास लिए बड़ी आसानी से इस चढ़ाई को पार कर लेते हैं। ऊपर चढ़ते वक्त हमें मनाली की ठंड का एहसास होने लगता है। आप लोगों को घोड़ों पर बैठकर ऊपर आते हुए और नीचे जाते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, ये है बर्फ से निर्मित वेलकम इन मनाली के स्लोगन के साथ एक ढांचा जिसे बड़े अच्छे से सजाया गया है। यहाँ आप फोटो क्लिक करवा सकते हैं। साथ में ही सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर बर्फ से निर्मित शिवलिंग के दर्शन के लिए जाती हैं। दोस्तों, 7200 फीट की ऊंचाई से झरने का पानी सीधा नीचे गिरता है और उसका तापमान इतना कम हो जाता है कि वो जम जाता है और इस तरह शिवलिंग का निर्माण होता है। दोस्तों, शिवलिंग का आकार छोटा बड़ा होता रहता है। यहाँ का नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं लगता। यहाँ से नीचे का नज़ारा और भी मनमोहक लगता है। और दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं मुख्य मंदिर की ओर। मुख्य मंदिर के दर्शन और अंजनी महादेव के पवित्र दर्शन के साथ सोलंग घाटी के मनमोहक दृश्यों को देखते हुए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।